ते जिहड़े उस टाइम कहिंदे सी वी निशान साहब लैके चले जाओ, आदा खालसे दे निशान तां झंडे मुंगे अज वी बुलंद ने, ते अज ओह नहीं दिसदे कहण वाले, ते उसे उदों भी किते ज्यादे जाहो जलाद खालसे दा अज 26 जनवरी तुहानूं देखण नूं मिल रिहा। जिहड़ा इतिहासक इकट्ठ आ, रोस मार्च आ, ये किते ना किते सरकारां नूं सोचण लई मजबूर कर देवेगा। जिहड़े ये रुख पंथ दा खालसा पंथ दा जे दिल्ली वल नूं हो गया, फिर सरकार सोच लवे भी सरकार नूं किते लैणे दे देणे ना पै जाण। 26 जनवरी दे मार्च दे विच तुसीं देखो कि नाहक सिंह जथेबंदियां वल्लों घोड़ियां दे नाल इह मार्च किया जा रहा है। तस्वीरां तुहानूं दिखा दिंदे आ, अलग अलग जथेबंदियां तों नाहक सिंह ने, बाबा राजा सिंह हो गल करिए बुढ़ा दल दीआं फौजां ने, तां इह तस्वीर तुहानूं नहीं दिखाण जा रहे हां। इहदे नाल बाबा राज सिंह भी साडे नाल होणगे, उन्हां नाल भी गल्लबात करांगे। तुसीं देखोगे घोड़े दी जिहड़ी गल कही सी कि हज़ारां दी गिणती 'च घोड़े भी इस मार्च विच होणगे, तां इह जिहड़ियां तस्वीरां ने नाल दी नाल तुहानूं दिखाते जाहांगे कि किवें तुसीं देखो कि बाबा राजा राज सिंह भी जिहड़े घोड़े दे उत्ते सवार ने, तां उहनां नाल भी गल्लबात करांगे कि जो कहा सी उही करके जिहड़ा बाबा राजा सिंह ने करके दिखा दिता। बाबा जी किवें देखदे हो कि अज घोड़ियां दे नाल झाकियां दिखाईयां जा रहियां ने, जिहड़ी सरकार ने कह दिता कि पंजाब दीआं नहीं रखणियां? देखो जे उहनां नूं पसंद नहीं पंजाब दीआं झाकियां, फिर खालसा पंथ ने आपदियां दिखातियां रोस मार्च के रूप के, खालसा पंथ अज 26 मार्च की परेड भी कर रहा, रोस मार्च भी कर रहा, जिहड़ियां झाकियां उन्होंने कढ़ियां सी सारा वर्ल्ड देख रहा उसनों। जे पिछली 26 जनवरी भी याद आती है तो वह तो याद भुलनी नहीं, क्योंकि उस दिन भाई दीप सिद्धू ने अपने उत्थे भाई जुगराज सिंह दे नाल रल के लाल किले उत्ते खालसाई निशान साहब चलाया सी, ते जिहड़े उस टाइम कहिंदे सी वी निशान साहब लैके चले जाओ, आदा खालसे दे निशान तां झंडे मुंगे अज वी बुलंद ने, ते अज ओह नहीं दिसदे कहण वाले, ते उसे उदों भी किते ज्यादे जाहो जलाद खालसे दा अज 26 जनवरी तुहानूं देखण नूं मिल रिहा। देखो किस तरह घोड़ियां दे उत्ते सवार हो के निहंग सिंह फौजां ते इस रोस मार्च की अगवाई कर रहियां ने, चढ़दी कला दे विच खालसा ते रोस मार्च संगत असीं सरकारां नूं दसना चाहुंदे आ ये सरकारां दे खिलाफ आ। वो बंदी सिंह नहीं रिहा कर रहे, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बेअदबियां दा इंसाफ नहीं दे रहे। ये जिहड़ा इतिहासक इकट्ठ आ, रोस मार्च आ, ये किते ना किते सरकारां नूं सोचण लई मजबूर कर देवेगा भी जे असीं सिखां नूं इंसाफ ना दिता ते फिर ये सरकारां इत्थे नहीं रहणियां। दस्सिया जा रहा कि जिहड़ा कई कैदियों की जिहड़ा एक लिस्ट बना के गजिंदर शेखावत जिहड़े जथेदार हरप्रीत सिंह कोल लेके गए ने कि हाँ कि कहड़े कहड़े छड्डणे ने, तां लगदा उहदे विच बंदी सिंह भी हो सकदे ने? देख लो जिहड़े बंदी सिंह ने उही छड्डणे ने, होर कहड़े ने? नौ ने जथेदार हवारा भ्यौरा ते होर भी सिंह ने नाल, जिहड़े जगतार सिंह तारा ते राजोणा भाई होर खैरा, ये सारे सिंह जिहड़े नौ सिंह ने बंदी वह छड्डणे ने, वह छड़ाउणे ने असीं, होर नहीं। उन्हां नूं जिन्ना चिर सरकार नहीं छड्दी, जिहड़ा रोस मार्च आ, जिहड़ा इंसाफ मार्च लग्गिया चंडीगढ़ ते इसे तरह चढ़दी कला दे नाल फौज इत्थे डटी रहूगी, सिख संगतां इसे तरह आउणगियां, सरकार दे नक दे विच दम करनगियां। घोड़े नचा रहे हो फिर, जिहड़ी कल गल कही सी कि इक दिन नचावांगे चंडीगढ़ दे, नच रहे ने तुहाडे सामने घोड़े, देखो किस तरह आ घोड़े घोड़े फौजां ही फौजां दिस रहियां ने तुहानूं, ते जिथे तक निगाह जांदी आ उत्थों तक खालसा पंथ दे झंडे जिहड़े बुंगे ने उह बुलंद ने दिस रहे ने। देख लो जिथे तक तुहाडी निगाह दिसदी आ, अगे भी पिछे भी सारे पासे खालसा पंथ ही पंथ होई पई। अज लगदा इस इतिहासिक मार्च तो बाद सरकारां नूं मंगां मन्ननियां पैणगियां, क्योंकि एक बड़ा इकट्ठ हो गया लखां दा। देखो तां मन्ननियां पैणगियां, जे नहीं मन्नणगे फिर सरकार नूं चेतावनी भी आ, जे किहड़े ये रुख पंथ दा खालसा पंथ दा जे दिल्ली वल नूं हो गया, फिर सरकार सोच लवे भी सरकार नूं किते लैणे दे देणे ना पै जाण। इस करके साडी बंदी सिंह जिहड़े छेती तों छेती रिहाई होने चाहीदे ने, जिहड़ी साडे बराबर दे हक ने उह सानूं मिलने चाहीदे ने। बिल्कुल, तुसीं देखो कि बाबा राजा सिंह जिन्हां वल्लों कहा गया सी कि चंडीगढ़ दे हिक दे उत्ते घोड़े नचावांगे, तां अज घोड़ियां दे नाल नाहंग सिंह जथेबंदियां इस मार्च दे विच लगातार मार्च कर रहियां ने, तां इह तुसीं देखो कि वाहिगुरु दा जाप करदे होईयां संगतां जा रहियां ने, शांतमई जिहड़ा मार्च किया जा रहा, पर सरकारां नूं बाबा राजा सिंह वल्लों
ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪਰਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋੜੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ 328 ਸਰੂਪ ਲਾਭਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ